यह है कुलपहाड़ कस्बा, जहां पर कुलपहाड़ कस्बा गोविंद नगर के लोगों को आरोप है कि हमारे पूरे कुलपहाड़ में पानी की सप्लाई है, लेकिन हमारे यहां पानी की सप्लाई नहीं है। हमने कई बार जल संस्थान से कही भी है पानी के लिए, लेकिन अभी तक वहां पर कोई सुनवाई नहीं है। नल पानी नहीं देते हैं, ये लगे हैं जो, तो उसके लिए हम बहुत परेशान हैं। फिर कहाँ जाते हैं? कहाँ माँ ले जा, कहूँ माँ मिलत गार्डन पे ड्रेम ले जाए, कहूँ कछु ले जाए हैं, इतनी परेशानी पड़त बेटा हमें। बेटा नंबर लगा बगैर नंबर से, बगैर नंबर से निकल गए, गड़ाई भरन दे सका। क्यों नहीं भरने देते हैं? नहीं भरन दे सका, हमारे लगभग हमको ज्ञात है कि आगे सप्लाई है हमारे पास, लेकिन इतने बीच में सप्लाई नहीं, बकाया रोड के उस तरफ भी सप्लाई है। रोड के ऊपर सप्लाई 10 साल से ज्यादा हो गए जब से पाइपलाइन डली है पूरे वार्ड में, लेकिन आज तक ना ही किसी कहीं भी किसी जगह सार्वजनिक टोटी निकाली गई है, ना ही किसी का कनेक्शन है। बस एप्लीकेशन भी कई बार लगा चुके हैं तहसील दिवस में, लेकिन अब 2 साल पहले लगाई थी, तब से कोई सुनता ही नहीं, लगाई नहीं। फिर भी अभी चुनाव लड़े थे हम, तो उन्होंने नोटिस मांगा था जलकर विभाग का, जब टोटी ही नहीं है, किसी कनेक्शन ही नहीं है, तो नोटिस किस बात का मांगा गया हमको? पूरे गोविंद नगर की संख्या कितनी है? 1380 के आसपास है, 1400। तो आप कभी सब जल संस्थान से कही हुई है? कहा तो है, लेकिन हमारी तरफ नहीं आती, वे पाइप के थे, इस साइड लेन ही नहीं है, तो हम नहीं। अभी तक तो लोग जो पहले थे अभी कुछ किए नहीं है, अब हमारे नॉलेज में आया तहसील दिवस में आया था, हमने उसको दिया था प्रपोजल बना करके। ये कब तक संभव है? अब जब तक वो शासन में पैसा ना आ जाए उसके लिए, वो जल निगम को देंगे पैसा, जब ट्यूबवेल लग जाएगा, और टंकी बनाने का भी प्रस्ताव दिए हैं, जब हो जाएगा। अगर आप इस तरह की ग्रामीण पत्रकारिता को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करें। शुक्रिया।